Hello guys, welcome back to the Home Academy. In this video, we will discuss about the cell. We know the cell is the basic unit of the life. तो ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी है. इसमें हम सेल डिस्कवरी ऑफ द सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल और सेल का स्ट्रक्चर जो है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे. तो ये जो पहला पार्ट होगा वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें हम डिस्कवरी ऑफ सेल को कम्प्लीट करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट्स में. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें. तो शुरू करते हैं सेल. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. हम जानते हैं, अगर कोई भी एक बेबी है, कोई भी बैक्टीरिया है या किसी भी ट्री का जो सेल है, आर लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखता है. बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ टिनी सेल. लेकिन सबके सेल सब एक ही सेल के बने होते हैं. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ऑल्दो अ सेल इज टिनी, इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. सेल बेशक छोटा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. तो डिस्कवरी जो सेल की थी, किसने की थी, इन 1665 एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक सॉ द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहली बार जो सेल को देखा गया था 1665 में देखा गया था, और किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा गया था. किस पर देखा गया था, इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क विद दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप. याद रहे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहली बार सेल देखा गया है. उसने क्या देखा था ऐसा, ही ऑब्जर्व दैट थिन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क इज अ डेड प्लांट स्ट्रक्चर. कॉर्क क्या होता है, जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं, वो डेड होता है. ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैज सेवरल टिनी कंपार्टमेंट इन इट. ही कॉल्ड देम सेलुलर और सेल. तो पहली बार जो नाम दिया गया उन टिनी कंपार्टमेंट को, क्या कहा गया, सेलुलू और सेल कहा गया. और जो टर्म है, द टर्म सेल इज ड्राइव फ्रॉम ए लेटिन वर्ड सेलुला मीनिंग स्मॉल रूम. ये जो टर्म है सेल, कहाँ से आया है, एक लेटिन वर्ड से, जिसे हम कहते हैं सेलुला. क्या मीनिंग है उसका, एक स्मॉल रूम. However, the cell discovered by Hooke were dead cell and only cellulose wall were visible. जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक डेड सेल था, और उसपे सिर्फ सेलुलूस की एक वॉल जो थी वही विजिबल हो रही थी. तो उसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट हुक के बाद आए वैन लेवन हुक. तो लेवन हुक ने इन 1674 में, लेवन हुक एक डच साइंटिस्ट थे, यानी कि जर्मन के रहने वाले थे, उन्होंने अब सेल की स्टडी शुरू की. स्टडीड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. जो रॉबर्ट हुक था, उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, देखा था, वो एक डेड सेल था, और पहली बार जो लिविंग सेल देखा गया वो किसने देखा, लेवन हुक ने. लेवन हुक ने विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था, अब लेवन हुक आए हैं, उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो कि उन्होंने खुद बनाया था उसका इस्तेमाल कर रहे थे. ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व द सेल बट ही डिड नॉट यूज द टर्म सेल. तो लेवन हुक पहले इंसान थे जिन्होंने लिविंग सेल को पहली बार देखा था, लेकिन उन्होंने इसको नाम नहीं दिया अभी भी सेल. फिर उसके बाद 19th century आ गई. 19th century में और एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई, और बहुत से ज़्यादा साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया. एक जर्मन बोटेनिस्ट थे मैथियास जैकोब एंड शील्डिन. तो 18th एक ही नाम है, मैथियास जैकोब शील्डिन. 1838 की बात है, दे ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर माइक्रोस्कोप एंड फाउंड दैट All of them are made up of a cell. तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने different different जो parts थे microscope में, उनके plant के different different part को microscope में देखा और अलग अलग उनकी study की. तो उन्होंने ये यहाँ से conclusion निकाला कि ये cell के बने हुए हैं. फिर botanist के बाद एक zoologist आए,
जोलॉजिस्ट जो थे वो भी जर्मन के रहने वाले थे, जिनका नाम था थियोडोर सक्वेन। 1839 में उन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल बॉडी को, और उन्होंने भी ये कहा, ये कंक्लूजन दिया कि ये भी सेल की बनी हुई है। फिर उनके बाद डॉक्टर आए, बोटैनिस्ट के बाद जोलॉजिस्ट आए, जोलॉजिस्ट के बाद अब डॉक्टर आ रहे हैं। कहाँ के थे? ये भी जर्मन के रहने वाले थे। उनके साथ उनका नाम था, जर्मन डॉक्टर हैं बायोलॉजिस्ट, उनके साथ एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रोडॉल्फ कार्ल विर्चियो। 1858 में दे स्टडीड ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बात किसने स्टडी की थी कि कोई भी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है? रोडॉल्फ कार्ल विर्चियो ने। इन अदर वर्ड, द एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू सेल। ही स्टडीड दिस इन लेटिन एज, तो ये जो टर्म थी उन्होंने लेटिन में लिखी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मीनिंग है इसका? कि ऑल सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो फिर उसके बाद दोबारा से रिसर्च हुई। द रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज साइंटिस्ट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल थ्योरी। तो यहाँ पर जाके अब बनती है सेल थ्योरी। तो उस थ्योरी के मैं मेन पॉइंट्स आपको बोल देता हूँ। द मेन पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी आर, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। पहली बात के सब जो भी लिविंग थिंग्स है वो बनी किसकी है? सेल की बनी है। ये सेल थ्योरी की कंक्लूजन है। कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो ये भी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है। ये पास्टुलेट जो है मैंने बोला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने आपको। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिविजन। तो ये भी सेल थ्योरी की ही कंक्लूजन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेल्स आर टोटिपोटेंट। क्या मीनिंग होता है टोटिपोटेंट का? देखिए, टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग सेल टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म अनलेस एंड अंटिल दे फॉर्म दे हैव बिकम एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो आगे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे इन लिविंग बींग, वेरिएशन इन द सेल नंबर शेप एंड साइज। उसके अलावा हम यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, प्लांट सेल, एनिमल सेल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में फीडबैक दिया करें।